स्वीडन में इस्लाम विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब इसकी आग पड़ोसी देश नॉर्वे तक फैल गई है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शनिवार को इस्लाम विरोधी और इस्लाम समर्थकों के बीच हिंसक प्रदर्शन हुए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम की पवित्र किताब के कुछ पन्ने फाड़ दिए। इन प्रदर्शनों का आयोजन नॉर्वे के दक्षिणपंथी स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे ने किया था। ये प्रदर्शनकारी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में संसद की बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हुए और इस्लामी विचारधारा के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस दौरान संस्था के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और गाने गाए। समाचार एजेंसी एनटीवी के रिपोर्ट के अनुसार स्थिति उस समय बिगड़ गई जब एक एसआईएएन समूह की महिला ने धार्मिक ग्रंथ के पेज फाड़ दिए। दूसरी तरफ मौजूद इस्लाम समर्थकों ने देख लिया और विरोध प्रदर्शन आक्रामक हो गया। इस महिला पर पहले भी नफरत भरे भाषणों को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। अधिकारियों ने बेकाबू हालत स्थिर करने के लिए पेपर स्प्रे और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। इस मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कई महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।